की हैबिट पड़ जाए तो छूटनी मुश्किल हो जाती है। तभी सभी बड़े इसलिए कहते हैं कि अच्छी आदतों को अपनाओ, ताकि जब भी कुछ करने का वक्त हो और आपको ये समझ ना आ रहा हो कि कैसे करना है, तो आपको आदतें बचा ले। रॉबिन को ताकत हासिल करने की आदत पड़ गई थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए वो अमृत के झरने के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। ये असली में एक तरह का साइड इफेक्ट है। जब आप अमृत के झरने से रूबरू होते हैं, तो आपको न केवल वॉयलेंट जीन एनर्जी का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको एक तरह की मानसिक और दानवीय इल्यूजन से भी निपटना पड़ता है, जो आपके रास्ते में बार बार अपीयर होकर आपको मानसिक तौर पर तंग एवं कमजोर करेगी। राजा विलास ने रॉबिन की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, इसलिए पहले ही कह दूं, आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। और अगर आप अपनी ताकत में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम तो उठाना ही होगा। राजा विलास के स्वर में लाचारी और उदासी का गहरा भाव था। जरा सोचिए, अगर दहाड़ ट्राइब के तीनों प्रमुख परिवारों को अमृत के झरने का पानी चाहिए, तो पहले उन्हें अपने अवेकंड वॉरियर को मजबूत बनाना होगा। किसी भी लड़ाई का सामना करने के लिए उनका ध्यान रखना होगा, उन्हें पनपने के लिए या कह लो कि उनका पालन पोषण करना होगा, जैसे किसी बच्चे का काफी देर तक किया जाता है। दूसरे दोनों परिवार जब अपने शिष्यों को अमृत के झरने में भेज चुके थे, जिसके चलते दोनों परिवारों ने अपने कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को रास्ते में ही खो दिया था, लेकिन जो भी उनमें से अपनी जान बचा पाता, तो वो व्यक्ति तीनों कबीले में एक उभरता हुआ सितारा बन सकता था या बन जाता। अपनी लाचारी के कारण राजा विलास ने अपने शिष्यों के पालन पोषण के लिए इस मेथड को चुना था, मेथड टू गो फॉर सीक्रेट अंडरग्राउंड। अब अवेकंड वॉरियर बनाने के लिए रिसोर्सेस कम थे, और अब अमृत का झरना एक ऐसी सप्लाई हो सकती थी जो अवेकंड वॉरियर तैयार करने के लिए फैक्ट्री जैसा इंतजाम बन सकती थी। ऐसा था कि दूसरे दोनों परिवारों की तुलना में सिंह परिवार की ताकत बहुत कमजोर थी, और दूसरे दोनों परिवार अब उतने शांतिपूर्ण भी नहीं थे जितना वो पहले थे। उस समय राजा विलास के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इनफ रिसोर्सेस भी नहीं होते थे। उस वक्त के बारे में अब क्या ही बात करनी थी। पर आप मुझे ये बताकर क्या करना चाहते हैं? रॉबिन ने उत्सुकता से पूछा। राजा विलास ने रॉबिन को दहाड़ ट्राइब और तीनों परिवारों के ये सारे रहस्य बिना किसी कारण के बताए थे। रॉबिन ने सोचा कि राजा विलास कुछ हासिल करने के लिए ही उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवेकंड वॉरियर को ही उस घातक टेरिटरी में भेजे जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अवेकंड वॉरियर के शरीर में असीमित संभावनाएं हैं, ढेरों पॉसिबिलिटीज। राजा विलास के एक्सप्रेशन गंभीर हो गए। वो इस समस्या के प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव हो रहे थे। सिंह परिवार को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो वहां की स्थिति को संभाल सके, इसलिए मुझे आशा है कि तुम मधु को अमृत के झरने वाली टेरिटरी में ले जा सकते हो। अंडरग्राउंड सीक्रेट एरिया में बहुत सारे जोखिम है। भयानक बिच्छुओं के अलावा वहां हर जगह अनेकों खतरे रहे हैं। आपको दूसरी ट्राइब के लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, और तो और सीक्रेट एरिया में एंटर करने वाले लोग केवल तीन बड़े परिवारों से ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरे ई ग्रेड ट्राइब के भी लोग हैं, जिनके पास पता नहीं कैसे पर अंडरग्राउंड सीक्रेट एरिया का एक्सेस पॉइंट है। हर 3 साल में योद्धाओं के बीच में 1-to-1 फाइट्स होती है। जीतने वाले ही कुछ गिनती के लोगों को अंडरग्राउंड सीक्रेट एरिया में भेज सकते हैं। पहला स्थान पाने वाला परिवार 3 लोगों को भेज सकता है, दूसरा स्थान पाने वाला परिवार 2 लोगों को भेज सकता है, और अंतिम स्थान पाने वाला परिवार केवल 1 व्यक्ति को भेज सकता है। और सिंह फैमिली हमेशा 3रे स्थान पर रही है। मैंने मधु को कभी भी नहीं जाने दिया, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो एक लड़की है, बल्कि मुझे चिंता थी कि वो अकेले सीक्रेट एरिया में एंटर नहीं कर पाएगी। हालांकि इस बार
तुम्हारे जैसा योद्धा हमारे पास है तो मैं थोड़ी बहुत ईज महसूस कर रहा हूँ। राजा विलास की स्लो कहानी को सुनने के बाद रॉबिन चुप ही हो गया। असल में उसने अभी अपना मन ही नहीं बनाया था कि वो सिंह फैमिली में शादी करेगा या नहीं। वो तो बस उसके लिए एक विचार या ख्याली पुलाव भी हो सकता था, और वैसे भी इस बात से उसे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा था। पर सीक्रेट एरिया की ये यात्रा जीवन में एक बार ही मिलने वाली अपॉर्चुनिटी थी, और जो राजा विलास ने कहा वो सच था, तो सीक्रेट एरिया में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यहाँ तक कि इसमें ई ग्रेड ट्राइब के दूसरे लोग भी भाग लेंगे, तो यहाँ लड़ाई निश्चित रूप से बहुत ही इंटेंस होगी या होने वाली है। रॉबिन का दिमाग कहीं और गया। क्या करें, चोर के मन में चोरी बसे, उसे तो बस ताकत से मतलब था। हालांकि इस तरह का खतरनाक एनवायरनमेंट रॉबिन को अपनी ताकत और स्पीड से बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी देता है, क्योंकि उसका वहां सभी टाइप्स के डिफरेंट जीन से एनकाउंटर भी हो सकता है, जिसका फायदा ये होगा कि रॉबिन द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए जीन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर उसकी ताकत भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, रॉबिन ने कुछ देर सोचा और फिर राजा विलास से कहा, मधु को स्कॉट एवं प्रोटेक्ट करने का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आपने कहा कि तीन लोग जाएंगे, तो तीसरा उम्मीदवार कौन होगा? राजा विलास ने थोड़ा सा अवॉइड करते हुए कहा, जब आप वहां के लिए निकलने वाले होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अंडरग्राउंड सीक्रेट एरिया के खुलने में अभी भी एक महीना है। इस एक महीने में आपको स्वस्थ होकर फिर जल्दी जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। वो ऐसे ही राजा नहीं बने थे। राजसी लोगों को पता होता है कि किस बात का कब जवाब देना है और किस बात को कहां मोड़ना है। ऐसे लोगों पर डेफिनेटली उनकी परवरिश और माहौल दोनों इफेक्ट करते हैं। शायद यही ट्रेनिंग होती है, और तो और उनके बाप दादा ऑलरेडी राजा महाराजा होते हैं, तो उन्हें वो हरकतें सीखने में कोई खास मेहनत भी नहीं करनी होती। कहते हैं कि बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं होते, उन्हें ये भी पता होता है कि किस जगह से कब निकलना है और कैसे। राजा विलास ने पहले रॉबिन के सिर पर हाथ फेरा, फिर उठकर जाने के लिए तैयार हो गए। और जब आप अंडरग्राउंड सीक्रेट एरिया से वापस आ जाएंगे तो आप और मधु एक दूसरे से एंगेजमेंट करेंगे, तभी आप ऑफिशियल तौर पर सिंह परिवार में एंटर करेंगे। ये कहने के बाद राजा विलास रॉबिन को छोड़कर धीरे धीरे वार्ड से निकल गए, जो सोच में डूबा हुआ था। अगले कुछ दिनों में रॉबिन ने पहले से ही प्लानिंग्स करनी शुरू कर दी थी। रॉबिन की चोटें मूल रूप से ठीक हो गई थी, वो अभी भी कुछ दर्द महसूस कर रहा था। उसने कैलकुलेट किया, अगर दृढ़ शक्ति की बदौलत वो जीन एनर्जी का यूज करता है तो उसे अपनी एक्सट्रीम कंडीशन तक में आने या कह लो कि ठीक होने के लिए केवल आधा महीना लगेगा। जब वो योद्धाओं के टूर्नामेंट में था तो कमांडर बोरा के हिंसक हमले ने रॉबिन के पास उसके जेनेटिक वेपन और स्टील से मजबूत प्रचंड बाजूबंद को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसके अलावा रॉबिन द्वारा सिंह परिवार के एंसेस्ट्रल कवच को एक्टिवेट किए जाने के बाद राजा विलास ने उस कवच को बड़ी तगड़ी सुरक्षा में रख दिया था। रॉबिन के दोनों शानदार इक्विपमेंट्स अब उसके पास नहीं थे। जीवन और मृत्यु की उस लड़ाई में बहुत बड़े एक्सपीरियंस के अलावा रॉबिन ने योद्धाओं के टूर्नामेंट से कुछ और भी हासिल किया था। उसने हिमबाज परिवार के भी जीन एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। क्या करे, आदत ही पड़ गई थी जीन एक्सट्रैक्ट करने की। ताकत पाने के लिए कुछ भी करेगा रॉबिन। असल में कुछ देर के लिए ये सब कुछ रॉबिन के लिए सेकेंडरी हो गया था। उसे इस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि राजकुमारी मधु अचानक उसके बारे में कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही थी। मूल रूप से हर दिन जब भी रॉबिन उठता तो वो राजकुमारी मधु को थोड़ी ही देर में अपने कमरे में एक यमी ब्रेकफास्ट लाते हुए देखता। रॉबिन ने कभी नहीं सोचा था कि सिंह परिवार की राजकुमारी पर्सनल तौर से उसे ब्रेकफास्ट लाकर देगी। रॉबिन ने सबसे पहले कुछ हद तक तरीके से मधु के इस एक्शन का विरोध भी किया,
उसने कई बार राजकुमारी मधु को खाना लाने से मना भी किया था, लेकिन राजकुमारी मधु का उसकी बात सुनने का कोई भी इरादा नहीं था। वो हर सुबह समय पर खाना देने के लिए रॉबिन के कमरे में आती थी। इसके कारण हर बार जब भी रॉबिन कमरे से बाहर जाता तो वो सिंह परिवार में सभी सदस्यों की अजीब नजर को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। रॉबिन को तुरंत लगा कि वो एक चिड़ियाघर में एक विशाल पांडा की तरह था, जिसे हर दिन अजीब सी नजरों से देखा जाता था। और एक दिन रॉबिन ने राजकुमारी मधु की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और खुद ही सिंह परिवार के टेरिटरी से बाहर निकल गया। रॉबिन को लगा कि उसके शरीर की हालत लगभग ठीक हो गई है। वो वही करना शुरू कर सकता था जो वो हमेशा से करना चाहता था, यानी कि फ्यूजन ऑफ जीन्स। एक दृढ़ शक्ति का सिंगल जीन और कमांडर बोरा से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक वुल्फ जीन, एक साथ मिलकर ऐसे फाइन ब्रीड वुल्फ जीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो रॉबिन की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता था। अगर दो महान एंसेस्ट्रल जीन्स, खूंखार सिंह जीन और हिमबाज जीन को अगर एक साथ मिलाया जाए तो ये फ्यूजन किस प्रकार का रिजल्ट देगा, ये भी रॉबिन के लिए नई पहेली थी। और इस नई पहेली को सुलझाने का रॉबिन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पर रॉबिन को पता था कि जीन्स की फ्यूजन करते समय कुछ जीन एनर्जी की फ्लक्चुएशंस जरूर होगी, और ये फ्लक्चुएशंस सिंह परिवार के लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी, जो रॉबिन को अपना काम जारी करने से रोकेगी, मतलब डिस्टर्ब तो करेगी ही, और नहीं तो राजकुमारी का ब्रेकफास्ट लाना उसकी कॉन्सेंट्रेशन को तोड़ देगा। इस काम के लिए उसको एकांत चाहिए था, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी आकर उसे फ्यूजन करते हुए डिस्टर्ब न करे। उसे अपनी जरूरत का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था। इस सिंह ट्राइब की सड़कों पर कुछ देर चलने के बाद घूमते घूमते रॉबिन को एक मीडियम से बजट की एक सराय मिली। उसी वक्त उसने 24 घंटे तक उस सराय में एक कमरा किराए पर लिया और किराया पे करने के लिए उसने कुछ बीस्ट कोर्स का इस्तेमाल किया। हालांकि पूरी शेरियट ट्राइब इतनी छोटी भी नहीं थी, फिर तीनों खानदानों में अवेकंड वॉरियर्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए कोई भी खबर बहुत जल्दी सब तक पहुंच जाती थी। इसलिए रॉबिन सराय में फ्यूजन को किसी दूसरे अवेकंड वॉरियर का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। सारी तैयारी करने के बाद रॉबिन बिस्तर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन को शांत किया और अपने मन को एकाग्र किया। जीन फ्यूजन शुरू हो गया था। क्या रॉबिन की जीन फ्यूजन सफल हो पाएगी? अगर होती है तो क्या नया मजबूत जीन बनेगा? अगर कोई और अवेकंड वॉरियर आ गया तो उसका राज फाश हो जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, हमें कमेंट्स में बताइए। और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हिमबाज जीन और खूंखार सिंह जीन दोनों शेरियत कबीलों के टॉप लेवल के पुश्तैनी जीन्स थे और उनकी ताकत इक्वल लेवल पर मेल खाती थी। रॉबिन ने अभी सिर्फ दो इनकम्प्लीट जीन एक्सट्रैक्ट किए थे, लेकिन अभी इनके लिए जीन चेन का स्किल सेट जानना बाकी था। जैसे कि मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी और पानी तो था, पर किस भट्टी में जाकर ये पकेगी वो भट्टी ढूंढनी बाकी थी। पर रॉबिन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि ये दोनों हाई क्वालिटी वाले जो जीन्स थे, रॉबिन के कंट्रोल में ही ये दो पुश्तैनी जीन टैलेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे में घुल रहे थे। रॉबिन की जीन एनर्जी के पुश के कारण जीन स्ट्रक्चर एक दूसरे से टकराता रहा। ये ऐसा था जैसे दो डीएनए मिलकर एक नया डीएनए बना रहे हो। जैसा कि डीएनए को मिलाना मुश्किल होता है, उसी तरह इन दो अलग अलग जीन्स को एक साथ लाना बहुत मुश्किल काम था। दो अलग अलग जीन्स के बीच की जीन एनर्जी पूरी तरह से अलग थी। जैसे कि दो परिवार, उनकी विरासत अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही विरासत का काम करने के ढंग और सोच में बदलाव होना स्वाभाविक है। इस बदलाव के कारण उन दोनों में समन्वय बिठाना कोई आसान काम नहीं था।
विरासत कितने मायने रखती है ये रॉबिन को भी समझ आ रहा था, क्योंकि दो अलग अलग पुश्तैनी जीन टैलेंट्स को मिलाने में जोखिम कम नहीं था। पहली बार जब रॉबिन ने दृढ़ शक्ति और कमांडर बोरा का भेड़िये जीन एक साथ जोड़े थे, तब उसे ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं आई थी। ये शायद सिस्टम के द्वारा दिए गए रिवॉर्ड के कारण भी था। जैसे पहली बार रॉबिन ने बिच्छुओं में से उनका जीन निकाला था और वो जेनेटिक वेपन के साथ जुड़ गए थे, तब भी वो एक प्रयास में ही सफल रहा था, जबकि रेट ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा कम थी। ये सिस्टम का एक और रिवॉर्ड था रॉबिन के लिए, नया रिक्रूट अवार्ड। रॉबिन ने शरीर में दो डिफरेंट टाइप्स की जीन एनर्जी को एक साथ पुश किया था, जिससे उसे काफी दर्द होना शुरू हो गया था, और दर्द सहते हुए उसने अपने दांत तक भींच लिए। दो डिफरेंट टाइप्स की जीन्स का फ्यूजन बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी और आग को एक साथ मिलाना। दो ऑपोजिट नेचर्स वाली शक्तियां विस्फोट करती है, और ऐसा रॉबिन के शरीर में हो रहा था। ये दर्द रॉबिन के बोन मैरो में अंदर तक महसूस हुआ था, जिसे कोई भी आम इंसान झेल तक नहीं सकता था। सौभाग्य से रॉबिन की स्पिरिचुअल फोर्स बहुत शक्तिशाली थी। अगर वो भी एक आम इंसान होता तो वो भी बहुत पहले ही हार मान लेता। इन दो जीन्स को फ्यूज करना बहुत डिफिकल्ट है। असली में दो हाई क्वालिटी पुश्तैनी जीन को फ्यूज करना रेगिस्तान में कुआ खोदने के बराबर है। खोदते जाओ और हाथ में रेत ही लगती है। रॉबिन का माथा पसीने से लथपथ था और उसके एक्सप्रेशंस तेजी से बार बार बदल रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे रेगिस्तान के बालूकूट। रेत के पहाड़ कभी भी एक से नहीं रहते। ठीक वैसे ही रॉबिन की फीलिंग्स चल रही थी। जीन की क्वालिटी जितनी हाई होती है, उन्हें एक साथ मिलाना उतना ही मुश्किल काम होता था। लेकिन रॉबिन भी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान ले। रॉबिन उर्फ अविनाश को वो दिन याद आ गए जब उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग का एक सेशन राजस्थान में रखा गया था और जैसलमेर की धरती ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। लेकिन यहाँ फ्यूचर में हालात अभी कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि अगर रॉबिन दोनों जीन चेंज को एक बार में ही सक्सेसफुली नहीं मिला सका तो उसके पिछले सभी प्रयास वेस्ट हो जाएंगे। रॉबिन ने दर्द के मारे अपने दांत ऑलरेडी पीस लिए थे, पर अब उसके माथे पर नीली नसें उभरी गई थी। उसने अपने आप को बांध कर रखा हुआ था, पर उसे लगने लगा था कि वो दोनों मोटी रस्सियों के साथ दीवार को भी अपनी ओर खींच लेगा। उसका पागलपन एक्सट्रीम तक जा रहा था और उसने हिम्मत न छोड़ते हुए अपने आप को वहीं बनाए रखा। रॉबिन के शरीर में मौजूद दृढ़ शक्ति ने जीन एनर्जी की मदद से दोनों जीन चेन्स को धीरे धीरे एक साथ फ्यूज करने के लिए फोर्स किया। ये प्रोसेस करीबन सवा घंटे तक चली। रॉबिन की स्पिरिचुअल फोर्स शक्तिशाली होने के कारण उसको सपोर्ट मिल रही थी, पर यह खेल केवल शक्ति का ही नहीं, सहनशीलता का भी था। आप कितनी देर तक उस स्टेज में रह सकते हो आपकी खुद की विल पावर पर डिपेंड करता है, और रॉबिन की इच्छा अत्यंत प्रबल थी। इस समय उसकी आंखों से खून बहने लग पड़ा था और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी पानी के तालाब से बाहर निकाला हो। मैं सफल हो गया, रॉबिन बिस्तर पर लेट गया और जोर जोर से हांफने लग पड़ा था। अगर मेरे पास जीन एनर्जी न होती तो मेरे शरीर के परखच्चे उड़ जाते। किस्मत से वो सक्सेसफुल हुआ था। उसके पुश और सहनशीलता के कारण ही दोनों जीन्स एक दूसरे में सक्सेसफुली फ्यूज हो गए थे। फ्यूजन होने के बाद एक ब्रांड न्यू जीन प्रोड्यूस हुआ, जिसका टैलेंट पिछले दोनों जीन से डिफरेंट था। नया जीन टैलेंट का नाम था ग्रिफिन। गहरे लाल रंग वाला ग्रिफिन, यानी के ऐसा शेर जो उड़ भी सकता था। इसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन जीन 19% कम्प्लीट हो चुका था। ये रॉबिन की तीसरी जीन चेन थी। हालांकि इस जीन चेन को अभी तक कम्प्लीट नहीं किया गया था, पर इसके नाम से कोई भी देख सकता था कि ये कितना अलग
और बेहतरीन था। आखिरकार ये दो तरह के हाई क्वालिटी वाले पुश्तैनी जीन्स का फ्यूजन था। इसकी क्वालिटी खराब होने की गुंजाइश ही नहीं थी। फ्यूजन पूरा होने के बाद रॉबिन ने अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने से पहले कुछ देर के लिए सराय में ही आराम किया। उसने सराय से निकलने से पहले कुछ खाने का ऑर्डर दिया और पेट भरकर खाया पिया। रॉबिन जैसे ही रिकवर हुआ ऊपरी मंजिल से नीचे चला आया, लेकिन रॉबिन फिर सिंह फैमिली के कंपाउंड में नहीं गया था, कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहता था। उसने अपनी डायरेक्शन बदली और सड़क की दूसरी ओर चला गया। पर रॉबिन की स्पीड स्लो भी नहीं थी, शायद ये फ्यूजन के कारण था। थोड़ा बहुत स्वभाव में फर्क तो आता है जो बॉडी में आ चुका था। वो जल्दी से कुछ गलियों से गुजरा और उसे एक बार लगा कि वो स्पेन की गलियों में था, पर ये फ्यूचर था। वो एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ इमारत के सामने आ गया। ये बिल्डिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई थी और उस पर कारीगरी भी कोई खास नहीं की गई थी, लेकिन कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था वो बहुत ही शानदार था। यहाँ तक कि दीवारें संगमरमर से बनी थी जिस पर सांप की नक्शी भी बने हुए थे, और छतों में जो ईंटें लगी थी उनमें भेड़ियों का खून इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि एंट्रेंस गेट पर दुर्लभ सी दिखने वाली पत्थर की सीढ़ियां भी काले ग्रेनाइट से बनी थी। फिर भी इस बिल्डिंग में जरा सी भी सुंदरता नहीं थी, क्योंकि इसकी सजावट ऐसी थी जो सिर्फ अपने मालिक की दौलत दिखाने के लिए की गई थी, एक शो ऑफ जो शायद फ्लॉप हो गया था। असल में ये बिल्डिंग शेरियत कबीलों के उन सैनिकों की एसोसिएशन थी जो भाड़े पर काम करते थे, अ काइंड ऑफ बाउंटी वॉरियर्स, और ये बिल्डिंग उनका मीटिंग स्पेस थी। वो सैनिक म्यूटेटेड इंसानों, जानवरों और कभी कभी बिच्छुओं से भी लड़ते थे, पर दूसरे योद्धाओं से लड़ना उनकी पहल होती थी। उनकी एसोसिएशन को मर्सिनरी एसोसिएशन भी कहा जाता था। ये भाड़े के सैनिक अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए बिच्छुओं को मारते और बीस्ट कोर बेचकर या इकट्ठा करके अपनी जिंदगी चला रहे थे। बीस्ट कोर जो एक तरीके के लाइफ सोर्सेस ही थे। भाड़े के सैनिकों के काम बहुत खतरनाक थे। उनकी जो भी डील होती तो उसमें उनके मरने के चांसेस हमेशा ज्यादा ही होते थे, इसलिए काम पूरा करने पर उन्हें जो भी पुरस्कार मिलते आमतौर पर बहुत बड़ी मात्रा के होते थे। इन गिफ्ट्स को बख्शीश कहने की सख्त मनाही थी। रॉबिन ने एक पल के लिए मर्सिनरी एसोसिएशन के एंट्रेंस गेट को देखा और फिर अंदर चला गया। मर्सिनरी एसोसिएशन में जगह बहुत ज्यादा थी, जो रॉबिन के मिलिट्री स्कूल में बड़ी कैंटीन के जैसे थी। इसमें कम से कम 200 से 300 लोग बैठ सकते थे, पर जब रॉबिन अंदर गया तो उस वक्त वहां बहुत से लोग नहीं थे। हॉल में 1/4 से भी कम सीटों पर लोग बैठे थे, पर हॉल में ग्लैमरस कपड़े पहने कई युवतियां टेबल के बीचों बीच चल रही थी। आखिरकार वो भाड़े के सैनिकों की एसोसिएशन द्वारा ही अपॉइंट की गई थी, जो इस प्लेस की स्पेशल कैरेक्टर्स में से एक थी। जो कोई भी उन पर मोहित हो जाता वो उन्हें कॉम्पेंसेशन के रूप में लाइफ सोर्स देता और उन्हें कहीं भी लेकर जा सकता था। अब इस दौरान क्या क्या होता था कोई भी इंसान कुछ भी इमेजिन करने के लिए आजाद है, क्योंकि ऐसी बातें हमेशा छुपके से कही जाती है, रेडियो पर नहीं। मर्सिनरी एसोसिएशंस में इस काम के लिए कमरे भी बने थे जहां से एसोसिएशन को भी कुछ कमाई होती थी। रॉबिन ने दरवाजे के पास कुछ लोगों का शोर सुना और उसे देखने के लिए उस ओर चल दिया। वो काउंटर पर पहुंचा और बेल के सामने खड़े होकर पलक झपकने लगा। साउंड उसकी पुरानी बेल्स जैसी ही थी, पर वो पलक झपकने पर चलती थी, और आवाज सुनकर तुरंत एक महिला अटेंडेंट ने स्माइल के साथ उसका स्वागत किया। How are you, sir? May I help you? उस महिला अटेंडेंट ने बड़ी प्यारी स्माइल के साथ रॉबिन को ये बात कही थी। वो उससे बहुत पोलाइटली बोली, एकदम धीरे से, जो सिर्फ कस्टमर तक ही पहुंचे। महिला अटेंडेंट ने सिंपल से ही कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी रॉबिन की नजर बिल्कुल भी उन पर नहीं गई। इसके बजाय रॉबिन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या यहाँ कोई बाउंटी मिशन है?
आम तौर पर भाड़े के सैनिक बिच्छुओं का शिकार करने और लाइफ सोर्सेस कलेक्ट करने के अलावा कुछ बाउंटी मिशन पर भी जा सकते थे, क्योंकि इन टास्क की अपनी मुश्किलें होती थी, तो इन टास्क को हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। अपनी औकात के हिसाब से डील्स होती थी। जब महिला अटेंडेंट ने रॉबिन को मिशन के बारे में पूछते हुए सुना तो वो कुछ भी समझ नहीं सकी। उसने रॉबिन को बड़े ध्यान से देखा। ऐसा नहीं कि उस महिला अटेंडेंट को मिशन या डील्स के बारे में पता नहीं था, पर रॉबिन के केस में उसे हैरानी इसलिए हुई थी क्योंकि रॉबिन ने इस समय सिंग फैमिली वाले आलीशान कपड़े पहने हुए थे और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाली पर्सनालिटी लिए हुए था। वो भाड़े के सैनिकों के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। सर, क्या आप भाड़े के सैनिक मर्सिनरी है? अटेंडेंट ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। वो लंबे समय से रिसेप्शन पर मैनेजमेंट का काम देख रही थी। दूसरा, वहां की हर औरत जानती थी कि भाड़े के सैनिक कैसे दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरह के लोगों को देखा था। वहां जो औरतें काम करती थी लोगों को पहचानने में एक्सपर्ट थी। वो बड़ी जल्दी इंसान की कुछ डिटेल्स को देखकर ही उसकी आइडेंटिटी का पता कर लेती थी। जब उस अटेंडेंट ने रॉबिन का गोरा चेहरा और कपड़े देखे तो वो बता सकती थी कि वो यहाँ भाड़े के एसोसिएशन में मौज मस्ती करने आया है। आखिरकार अधिकांश भाड़े के सैनिक अपनी जिंदगी चलाने के लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। उन सभी की हमेशा एक फीकी सी पर मर्डरस सी इमेज थी। पैसे मींस लाइफ सोर्सेस के लिए किसी का भी कत्ल कर सकते थे, यही तो उनका पेशा था। इसलिए वो हमेशा इतने साफ भी नहीं दिखते थे जितना रॉबिन था। दिस इज द फर्स्ट टाइम। रॉबिन एक सेकंड के लिए रुका और उसने ऑकवर्ड सी स्माइल दी। वो नहीं जानता था कि भाड़े के सैनिक को एक मिशन को पूरा करने के लिए किस तरह की प्रोसेस कंप्लीट करने की जरूरत होती है। क्या रॉबिन अब यहाँ से एक मिशन पर निकलेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, हमें कमेंट्स में बताइए। और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया? देखिए, अगर आपको मिशन पर जाना है तो पहले आपको मर्सिनरी एसोसिएशन का मेंबर बनना होगा, यानी कि आतंकवादी संगठन। और मेंबर बनने के लिए पहले आपको एक टेस्ट पास करना होगा, तभी आप मिशन पर जा पाएंगे, महिला अटेंडेंट ने रॉबिन को समझाते हुए कहा। महिला अटेंडेंट ने रॉबिन को शक की निगाह से देखा और उसे अंदर ले गई। उसका कारण भी था। रॉबिन दिखने में अमीर आदमी लगता था। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं होगा कि यहाँ कोई और अमीर आदमी न आया हो, और उस महिला अटेंडेंट के पिछले एक्सपीरियंस के मुताबिक अमीर यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने आते थे। उस मौज मस्ती का लेवल वो ऑलरेडी जानती थी। उस महिला अटेंडेंट के इंटेंशंस तो यहाँ तक की थी कि वो रॉबिन का किसी भी तरह से फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि भाड़े के सैनिकों के कंपैरेटिवली अमीर लोग ज्यादा दयावान भी होते हैं, और अमीर कौन नहीं होना चाहता। भूत हो या भविष्य, सभी काल में लालच मौजूद थी। ठीक भी है, उसका पेशा भी यही था। शी वॉज प्रोफेशनल, तो उसे जो करना चाहिए था वो करने लगी थी। वो धीरे से रॉबिन के पास गई। उसका शरीर महक रहा था जो किसी भी आम से इंसान को मदहोश कर देता। उस महिला अटेंडेंट ने रॉबिन के बाएं कान में बुदबुदाया। सर, आप प्लीज मुझे फॉलो करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। वहाँ हल्का हल्का सा ओल्ड फैशन म्यूजिक चल रहा था शायद, और उस महिला अटेंडेंट ने वो म्यूजिक कलेक्शन बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही संभाल कर उसने अपने बॉडी को भी रखा था। उम्र में शायद 28 साल की होगी, पर उसकी बॉडी किसी भी 17 साल की लड़की से कम नहीं थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे रेगिस्तान की पहाड़ियाँ। एक अलग सा फ्लो था जो किसी को भी ठग सकता था। रॉबिन भी बिना पलक झपकाए उसके पीछे हो लिया था। अब इतनी खूबसूरत मुसीबत खुद उसके गले पड़ना चाहती थी तो वो क्या कर सकता था।
उस अटेंडेंट को लग रहा था कि रॉबिन कुछ देर के लिए ही सही उसके प्यार में पागल हो जाएगा। रॉबिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। लेकिन रॉबिन भी सख्त लौंडा था, पिघला नहीं। रॉबिन तो बस नए जीन की पावर टेस्ट करना चाहता था। ग्रिफिन एक गहरे लाल रंग का शेर जो उड़ भी सकता था, शायद यही जीन था जो उसे पिघलने नहीं दे रहा था। फिर वो एक बड़े से कमरे से होकर गुजरे। खैर, ये कमरा पिछले हॉल जितना तो बड़ा नहीं था, पर फिर भी इसमें एक बॉक्सिंग रिंग जैसी लड़ने की जगह और एक तरफ हथियार रखे हुए थे। यहाँ अक्सर सभी लोग खुद को ट्रेन करते थे। इस कमरे को ट्रेनिंग रूम भी कहा जाता था। ये जगह रॉबिन को अपने पुराने जिम की याद दिला रही थी। कोई इंसान अगर एक बार भी जिम गया हो तो उस इंसान की जिम की अपनी ही मेमोरीज होती है। वहां की आवाजें, हंसी, मशीनों का शोर और दर्द का मजा। रॉबिन को एक पल के लिए लगा था कि वो वापस अपने मिलिट्री स्कूल में आ गया हो, जहां पर बॉडी बनाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स जैसे कि कलरीपयट्टू, जूडो, किकबॉक्सिंग भी सिखाए जाते थे और अमूमन इनके मुकाबले भी होते थे। पर आज रॉबिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आया था और इस जगह का माहौल कुछ अलग भी था। यहाँ ट्रेनिंग किसी को भी जान से मारने की मिलती थी, क्योंकि इन भाड़े के सैनिकों का काम भी यही था। कुछ लाइफ सोर्सेस या बेनिफिट्स के लिए कभी भी किसी का भी कत्ल कर देना, और कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी करता तो उसे ये कहकर चुप करवा दिया जाता कि फलाने इंसान की मौत बिच्छू के वजह से हुई है, क्योंकि युद्ध में झूठ सच नहीं होता, वहां सिर्फ मौत और जिंदगी होती है। वो इस एसोसिएशन के लीडर बल्लू बिस्वा है, महिला अटेंडेंट ने फाइटिंग रिंग में लड़ते हुए एक आदमी को देखकर कहा। इस आदमी के बाइसेप्स का साइज 24 इंच का था, मतलब उसकी बॉडी किसी भी रेसलर जैसी थी और उसमें फुर्ती भी गजब की थी। आज ये यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हैं। बल्लू बिस्वा एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक वॉरियर है हमारी इस मर्सिनरी एसोसिएशन के। इन भाड़े के सैनिकों के भी लीडर है, रॉबिन ने मजाक में पूछा। महिला अटेंडेंट उसके दूसरे सवाल के आने से पहले ही बोल पड़ी। दूसरे लीडर्स को बुरा लगता है कि कोई उन्हें भाड़े के सैनिक कहे, पर बिस्वा इस बात को मान से कहते हैं। भाड़े के सैनिक कम से कम सच्चे तो है अपने काम को लेकर, दूसरों की तरह नहीं, इसलिए इनकी सपोर्ट भी काफी है दूसरे भाड़े के सैनिकों से। वो चलती चलती बोल रही थी और रॉबिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। एक बार तो इन्होंने अपनी बाजुओं के दम पर ही अवेकन वॉरियर को मार दिया था। ये किसी को भी अपनी मॉरल स्ट्रेंथ के कारण हरा सकते हैं, इसलिए ये बहुत से मर्सिनरीज के रोल मॉडल है। रॉबिन ने मुड़कर बड़ी हैरानगी से देखा। उधर फाइटिंग रिंग के पास में एक आदमी चिल्ला रहा था। उसके मसल्स बड़े और शार्प थे। वो ट्रेनिंग इक्विपमेंट पर जोर जोर से मारे जा रहा था। उस ट्रेनिंग इक्विपमेंट पर उसके हर एक मुक्के पर बीप की आवाज आती थी। लड़का इतनी तेज मुक्के बरसा रहा था, ऐसा लग रहा था कि सुबह को अलार्म बज रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में उस ट्रेनिंग इक्विपमेंट की डैमेज वैल्यू अपने हाफ मीटर तक पहुंच गई थी। पर सभी जो वहां खड़े थे उसके स्कोर को गिन रहे थे। इस वक्त ट्रेनिंग एरिया से सिर्फ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सभी बल्लू बिस्वा की पावर और स्ट्रेंथ को देखकर हैरान थे। बल्लू बिस्वा की खासियत थी उसकी लड़ने की शक्ति। ये जंगली मर्सिनरी ग्रुप वाले तो सच में इंप्रेसिव है। तो क्या ये भाड़े के सैनिक इतने ताकतवर है? रॉबिन ने उस महिला अटेंडेंट से सवाल किया। जैसे ही यह सवाल उस महिला अटेंडेंट के कानों में पड़ा, वो वहीं रुक गई, जैसे पता नहीं किसी ने उसे स्टैचू कह दिया हो। उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। ये ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे हॉ करती है लड़कियां, पर ये वाला हॉ बेइज्जती वाला था, ना कि क्यूटनेस वाला, जैसे रॉबिन ने कोई पाप कर दिया हो। फिर वो मुड़ी और उसने थोड़ा तलखी से पूछा, सर आपको तो मर्सिनरी एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता। रॉबिन चुप रहा तो वो ठीक समझदार बनती हुई रॉबिन को समझाने लगी।
ये मर्सिनरी ग्रुप इस पूरी ट्राइब में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। यहाँ तक तीनों महान परिवारों से इस ग्रुप को मान्यता मिली है और हमारे पल्लू बिस्वा इस ग्रुप के लीडर है, जिनकी ताकत का लोहा जितने भी बड़े छोटे कैंप है सब मानते हैं। इन्हें एक खासियत के लिए जाना जाता है, इनकी बॉडी में इतनी पावर है जितनी एक अवेकन वॉरियर के शरीर में होती है। अब आप जैसे अमीर लोग क्यों ऐसे पचड़ों में पड़ोगे? ये फाइट करना हर किसी के बस की बात नहीं, आप आराम पर ध्यान दें। और जो मर्जी कह सकती थी, पर वो महिला अटेंडेंट बस इतना ना कहती कि आपके बस की बात नहीं। ये बात कहीं चोट कर गई रॉबिन के दिल में। ये ठीक है कि रॉबिन सख्त लौंडा था, पर साथ में एक सख्त योद्धा भी था। और रॉबिन खिंच गया था, कुछ बोला नहीं और चुपचाप चलता रहा। जैसे ही वो उस ट्रेनिंग रूम से उसके साथ लगे कमरे में पहुंचने लगे, रॉबिन रुका और बोला, छोड़िए मोहतरमा, आज नहीं किसी और दिन करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। पर सर करवा लीजिए, टेस्ट तो कभी भी दे सकते हैं और इस बार तो कुछ डिस्काउंट भी है, महिला अटेंडेंट ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। सर प्लीज मेरे लिए करवा लीजिए, आपकी रजिस्ट्रेशन से मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। रॉबिन का मूड तो बदला था, पर उसका फोकस कहीं और था। उसे बस अपना नया जीन ग्रिफिन टेस्ट करना था। वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि जिद पकड़कर बैठ जाए। रॉबिन जानता था कि जिद कभी कभी ऐसी जद्दोजहद करवाती है जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। वो मान गया। वहीं ट्रेनिंग एरिया में बल्लू बिस्वा जंप करके ट्रेनिंग एरिया से निकला। उसने पास ही खड़े किसी योद्धा का टॉवल उठा लिया। ये सबको पता था, एक बार बल्लू जिस पर अपनी हाथ रख दे उस चीज को पाके रहता है। साथ खड़ा योद्धा इस बात को जानता था। खैर उसे गुस्सा तो आया था क्योंकि उसे ये तौलिया किसी खास डील के दौरान मिला था, पर वो अपना गुस्सा पी गया क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं था कि बल्लू बिस्वा ने ऐसी हरकत की हो। अपना पसीना पोंछते हुए बल्लू का ध्यान दूसरी ओर खड़े रॉबिन और महिला अटेंडेंट पर गया। बल्लू रुका और बोला, तुम ऐसा करो, इधर आओ और हमें आजमाओ। रॉबिन को लगा वक्त आ गया नए जीन को चेक करने का। वो आगे बढ़ा, तभी तौलिए से सिर पोंछते हुए बल्लू बोला, अबे तू नहीं चुचुंदर, वो पीछे खड़ी लड़की बहुत सुंदर। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बल्लू बिस्वा भी उन सभी की तरफ देखकर हंसता हुआ बोलने लगा, देखी भाई की शायरी, देखी देखी हाँ देखी। और सभी फिर वाह वाह करने लग पड़े उस घटिया शायरी को सुनकर। जैसे ही उन सबकी वॉल्यूम कुछ धीमे हुई तो सबकी निगाहें उस लड़की पर गई, वो लड़की जो ठीक रॉबिन के आगे घबराई हुई खड़ी थी, क्योंकि लड़की जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। दूसरे जितने भी लोग बल्लू बिस्वा के करीब खड़े थे उनकी सबकी आंखों से वासना टपक रही थी, पर यह एक्सप्रेशन सिर्फ पल भर के लिए था और उनकी आंखों में थकान भर आई। इसलिए नहीं कि लड़की उदास थी, बल्कि उनको पता था कि उनका अब लड़की पर कोई भी हक नहीं है। वो चाहे जितने मर्जी लाइफ सोर्सेस ऑफर कर दे। उनमें से एक बोला जो बल्लू बिस्वा का चेला था, एक्चुअली अपने उस्ताद को चाहिए ये लड़की गर्मी निकालने के लिए। और फिर हंसने लगा। उनमें से एक और बोला, आज लगता है बिस्तर पर शायरी लिखी जाएगी, अब इस गजल का शायर कौन होगा क्या पता। उस लड़की ने डर के मारे बड़ी सांस ली। सरकार आज ये जो नए गेस्ट आए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, अगली दफा मैं आपकी सेवा में जरूर शामिल हो जाऊंगी। वो महिला अटेंडेंट उन अफवाहों से आज वाकिफ हो गई थी जिन पर कभी वो विश्वास नहीं करती थी। बल्लू बिस्वा अपना तौलिया एक तरफ फेंकते हुए बोला, बकवास बंद करो और इधर आओ, और ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। बल्लू की आंखों में दूसरे लोगों की तरह कोई वासना नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे कोई ना नहीं कह सकता। उसे तो बस अपने शरीर की प्यास बुझानी थी। वो लड़की डर के मारे वहीं खड़ी रही, जड़ हो चुकी थी। उसे पता था
कि उस हिरणी को ये खूंखार मगरमच्छ अभी छोड़ेगा नहीं। बल्लू बिस्वा ने फिर बड़े घमंड से अपने गले से आवाज निकाली, ये सवाल तो था, पर इस के पीछे ये छुपा था कि जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। लड़की उसकी तरफ चल दी, उसने कदम बढ़ाए, तभी वो रुक गई। उसे खुद ही नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था, और रॉबिन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बड़े भैया, आज ना मुझे जल्दी है, मेरी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे हाथ से डिस्काउंट छूट जाएगा। सो सॉरी बड़े भैया, किसी और दिन बनना सही है। रॉबिन ने ठीक बल्लू बिस्वा के अंदाज में जवाब दिया था, वो भी जानबूझकर घटिया शायरी में, क्योंकि रॉबिन को शायरी वायरी से नफरत थी। तो क्या अब रॉबिन और बल्लू बिस्वा के बीच नई गजल लिखी जाएगी? क्या होगा जब बल्लू और रॉबिन आमने सामने आएंगे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट्स में बताइए और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रॉबिन के शब्दों ने न केवल उस महिला अटेंडेंट को हैरान कर दिया था, बल्कि वहां खड़े हर एक इंसान को भी, क्योंकि बल्लू बिस्वा के रास्ते में आना मौत को बुलावा देने के समान था। और मियां रॉबिन ने अकेला बुलावा ही नहीं भेजा था, उन्होंने तो मौत को वीडियो कॉल कर लिया था। वहां चुप्पी फैल गई थी, तभी जोर से सबके हंसने की आवाज आई, जैसे सबको पता था कि आगे क्या होगा। ये बावला हो गया छोरा, ये भाई बल्लू बिस्वा से कहते हैं कि भैया आप रुक जाओ। अबे पोड़बाक, कौन है ये? कहां से आते हैं ऐसे लोग जो बल्लू बिस्वा को नहीं जानते? आज तक इस एसोसिएशन में किसी भी भाड़े के सैनिक की हिम्मत नहीं हुई बल्लू भाई के खिलाफ भाड़ा ले, तू यहाँ फ्री में फिरौती ले रहा है। हर कोई रॉबिन का मजाक बना रहा था और चाहता था कि उनके मजाक की तरह रॉबिन का भी बुरा हाल हो। शायद उन्हें किसी को मार खाता देखने में मजा आने लगा था। इसका पतला शरीर घायल नहीं होगा बल्कि इसके शरीर को मसला जाएगा, जैसे मच्छर को मसला जाता है, बस यहाँ ताली नहीं पीटी जाएगी, एक मुक्का पड़ेगा और ये पीटा जाएगा। आखिरकार बल्लू बिस्वा मर्सनरी एसोसिएशन का टॉप वॉरियर था। उसकी ताकत का घुमान बल्लू बिस्वा को कम बल्कि उसके चेले चपाटों को ज्यादा था। बल्लू बिस्वा की ताकत एक अवेकंड वॉरियर की जितनी थी, कम से कम दो जीन चेन वाले अवेकंड वॉरियर जितनी। उसने अवेकंड वॉरियर को हराया भी था। जैसे रॉबिन ने बड़े भैया कहकर मजाक उड़ाया था, सबको लगने लग पड़ा था अब बल्लू बिस्वा इसे छोड़ने वाला नहीं है और इस बेवकूफ को अपनी जान प्यारी नहीं। बल्लू बिस्वा धीरे धीरे रॉबिन की तरफ बढ़ने लगा था। वहां जो प्रैक्टिस के लिए म्यूजिक चल रहा था वो भी अचानक से डार्क हो गया था। बल्लू बिस्वा ने रॉबिन की आंखों में देखा और फिर उस महिला अटेंडेंट की आंखों में। अब बहुत दिनों के बाद किसी ने ऐसी हिम्मत की है मुझसे ऐसी बात करने की। फिर उसने रॉबिन की तरफ देखा। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि बल्लू बिस्वा अपने साथ एक स्टाइल भी कैरी करके चलता था, पर रॉबिन न ही उससे और न ही उसके स्टाइल से प्रभावित हुआ। उसे बल्लू बिस्वा 70s की हिंदी फिल्मों का गुंडा लग रहा था। रॉबिन चुपचाप खड़ा रहा, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बल्लू बिस्वा जैसे ही रॉबिन के सामने आया, वो गुस्से से भरा हुआ था। बल्लू ने उस महिला अटेंडेंट का हाथ पकड़ा और रॉबिन से छीन के ले जाना चाहता था। उसे तो इतनी भी परवाह नहीं थी कि अगर उस महिला अटेंडेंट को कोई चोट भी लग जाती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो जरा भी नहीं रुका। चलो छोटे, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, निकल ले यहाँ से। बल्लू ने दबी आवाज में रॉबिन को धमकी दी। उसने पुरानी हिंदी फिल्मों के विलन्स की तरह आवाज को ऊंचा नहीं किया। बल्लू आगे हुआ और उसने महिला अटेंडेंट का हाथ पकड़ लिया, पर तभी किसी ने बल्लू का हाथ पकड़ लिया। चाहे जितनी मर्जी ताकत हो बल्लू में, पर वो अपना हाथ हिला तक नहीं सका। बिस्वा जी, आप टेंशन मत ले सर, मैं इनकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा आपके दरबार में पेश हो जाऊंगी, हमारा काम है सरकार।
उस महिला अटेंडेंट ने गुजारिश की थी। रॉबिन खड़ा सब देख रहा था कि ये बिस्वा अब क्या करेगा, पर वो महिला अटेंडेंट घबराई हुई थी और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और उसे पता नहीं लगा कि कब वो रॉबिन और बिस्वा के बीच आ गई थी। उस औरत की गुजारिश बल्लू को भीख जैसी लग रही थी और उसने वही किया जो किसी गरीब को देखकर ताकतवर इंसान बिहेव करता है। उसने उस महिला अटेंडेंट को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये प्रहार इतना ज्यादा जोर से था कि वो महिला अटेंडेंट वहीं पर गिर पड़ी। वो चाहे जैसा भी काम करती थी, पर थी तो औरत ही। वहीं बल्लू बिस्वा के लिए वो सिर्फ एक चीज थी। बल्लू के थप्पड़ की आवाज हॉल में से गूंजी और फिर रिफ्लेक्ट होती हुई वापस आई। इस आवाज का गूंजना वहां के माहौल को और भी खतरनाक बना रहा था। रॉबिन ने पहले खुद को रिजर्व रखा, पहले ही बहुत पचड़ों में पड़ चुका था, इसलिए उसे लगा कि अपनी ताकत मिशन पर आजमाएंगे। पर जब ये आवाज वापस आई तो रॉबिन का थोड़ा सिर घूमना शुरू हुआ और उसको समझ नहीं आया कि अपने आप को कैसे रोके, और उसने पंच जड़ दिया। बिस्वा ने लाचार औरत पर हाथ उठाया था और जैसे आवाज गूंज कर वापिस आई थी, ठीक वैसे बल्लू बिस्वा हवा में उड़कर गिरा। पर बल्लू और उस महिला अटेंडेंट की फ्लाइट में काफी ज्यादा फर्क था, जैसे कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। महिला अटेंडेंट तो वहीं गिर गई थी, पर बल्लू ऐसे रहा जैसे गेंद हवा में रहती है। बल्लू जब नीचे गिरा तो आवाज की गूंज थप्पड़ की गूंज से ज्यादा थी। रॉबिन के मुंह से धीरे से जैसी आवाज निकली। ये एक्सप्रेशन ऐसा था जब कोई सांस छोड़ता है काम खत्म करने में जो वो करना न चाहता हो। रॉबिन ने उस महिला अटेंडेंट को उठाया। उस महिला अटेंडेंट का फेस एक साइड से सूजा हुआ था। वो उठी और घबराई हुई थी। वो उठते साथ ही बोल पड़ी, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। तुमने बल्लू बिस्वा पर हाथ उठाया है और आपको ये नहीं पता कि वो कितना खतरनाक है। अगर तुमने ये जगह जल्दी से न छोड़ी तो देर हो जाएगी। परेशानी ने जैसे कि उसके लबों पर घर बना लिया हो। तुम्हारा क्या होगा, रॉबिन ने उस महिला अटेंडेंट से सवाल किया। वो महिला अटेंडेंट जो दर्द के मारे कराह रही थी चुप हो गई। उसे रॉबिन का ये सवाल सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि रॉबिन अगर वहां से भाग भी जाता तो उसका कोई खास नुकसान नहीं होना था। दूसरा, उसकी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई थी तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता, और उस वेटरेस उस महिला अटेंडेंट के लिए भागना कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसकी जिंदगी का गुजर बसर मर्सिनरी एसोसिएशन के रहमो कर्मो पर ही होता था। बाहर की दुनिया जो बिच्छुओं से भी खतरनाक थी उसे नोच खाती, उसका ऐसा सोचना था। इसी सोच के चलते उसे अब बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने बल्लू बिस्वा को गुस्सा दिलाया था। उसकी आंखों में बेचैनी भर आई थी। चारों ओर अंधेरा घूम रहा था कि अब क्या होगा। वो बल्लू बिस्वा के होने वाले अत्याचार को सोच रही थी। उसे इस वक्त लग रहा था कि इससे अच्छा उसे मर जाना चाहिए। मैं तुम्हारी आने वाली मुश्किलों को शायद हल कर सकता हूँ। रॉबिन के ये लफ्ज महिला अटेंडेंट के दिमाग में हलचल मचा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन उसके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। रॉबिन घूमा और बल्लू बिस्वा की तरफ बढ़ा। तब तक बल्लू भी थोड़ा संभल चुका था। उसके साथ में खड़े चेले चपाटों ने उठाया और उसके कपड़े साफ किए। उसकी छाती में अभी दर्द हो रहा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और अब बस वो रॉबिन को जान से मार देना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज लगता है अपनी मम्मी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करके आए हो। चेले भी कहां चुप रहने वाले थे, और उनके साथ वो बंदा भी खड़ा था जिसका तौलिया बल्लू ने यूज करके फेंक दिया था। इस लौंडे ने एक्चुअली साहब जी की आन को ललकारा है। ये सीधा सीधा इनविटेशन है कि आओ और मेरे साथ फाइटिंग रिंग में लड़ो। इसको असली सबक वही मिलेगा। ऐसा कभी इससे पहली दफा नहीं हुआ कि किसी बूढ़बक ने बल्लू भैया को चैलेंज दिया हो और जिंदा कर गया हो। ऐसा नहीं था कि गुस्सा सिर्फ बल्लू की आंख में भरा था, बल्लू के साथ वाले बंदों की भी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी।
वो लोग इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि कोई कैसे बल्लू बिस्वा को उड़ाकर फेंक सकता था। उधर रॉबिन ने जानबूझकर अपनी अभी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं उसने जोर से पंच मार दिया होता तो बल्लू बिस्वा से जिंदगी रुसवा हो जाती। अब रॉबिन को थोड़ी शरारत सूझी। उसका मन किया कि अब बल्लू बिस्वा और उसके चेलों को थोड़ा डांस करवाया जाए, मतलब कि उन्हें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया जाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बल्लू उसकी बात नहीं मानेगा। बल्लू रेसलर्स की तरह जंप करके रिंग में गया। तौलिये वाला तो वैसे ही खिजा बैठा था। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड को खाली पाइप से टकराया। तीन बार और आवाज आई, टन टन टन। बल्लू अपने मसल्स को स्ट्रेच करने लगा। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और उसके हाथों से हड्डियों के पटाखों की आवाज आई। माहौल धीरे धीरे डार्क हो रहा था। रॉबिन बहुत ही धीरे और आराम से रिंग में चढ़ा। महिला अटेंडेंट को लगा आज रॉबिन शहीद होकर ही घर जाएगा। वो बेचारी कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। रॉबिन आया और बल्लू बिस्वा की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। बिस्वा हैरान हुआ कि ये क्या तरीका है लड़ने का। उसके चेले चपाटे तो कहीं और ख्याली पुलाव बना रहे थे। अरे अब ये बावला के करने जा रही है, पिटके मानेगा अब तो। हाँ? इसने तो पहले ही हार मान ली कि प्रभु लात मारकर तोहफा कबूल करो। ये बिस्वा भैया का कौनो कोई टेस्ट तो नहीं ले रहा। सभी चेले बहुत कंफ्यूज थे। रॉबिन ने कुछ भी नहीं किया, कोई इशारा नहीं और ना ही कोई आवाज। जैसे कई फाइटर्स पंच मारने से पहले आवाज करते, वैसी भी नहीं। उसने पलक झपकने की स्पीड से डिवाइस पर पंच मारा, उसी डिवाइस पर जिस पर बल्लू प्रैक्टिस कर रहा था। उस डिवाइस का हाईएस्ट लेवल 999 था। मीटर की सुई इतनी जोर से 999 मार्क पर हिट की, उसी स्पीड पर वापस आ गई। ये शायद न्यूटन का थर्ड लॉ लगा था। किसी को पता ही नहीं चला, बस बीप की आवाज आई जो बिस्वा के मारने पर आ रही थी। रॉबिन ने उसी स्पीड से दोबारा हिट किया। अब सभी ने देखा था 999 का लेवल काफी देर तक गर्म होने के कारण लाल रहा। बीप की आवाज जैसे फुस्सी हो गई थी, जैसे कि बच्चे की पीपनी पर कोई पैर रख दे, बिल्कुल वैसे ही आवाज निकली। रॉबिन को अभी भी मजा नहीं आ रहा था। उसने अगला मुक्का जड़ा और उस मशीन का ब्लास्ट हो गया। अब सिर्फ धुआं निकल रहा था और उस डिवाइस के टुकड़े इतने छोटे हो गए थे कि हवा में उड़ रहे थे। हवा में एक धुएं का बादल बन गया था, एक काला बादल जिसमें से पानी की बजाय टुकड़े गिर रहे थे। इस पंच से सबसे ज्यादा खुश महिला अटेंडेंट नहीं, वो तौलिये वाला बंदा हुआ। उसका तौलिया और भी ज्यादा गंदा हो गया था, पर अब उसे कोई परवाह नहीं थी। सबके चेहरे उस डंडे की तरह ब्लैंक थे जिस पर उस डिवाइस को रखा हुआ था। तुम अभी भी लड़ना चाहते हो मुझसे? रॉबिन मुड़ा नहीं था, उसका ध्यान हवा में उड़ते हुए टुकड़ों पर था, जैसे कोई तारे गिनता है रात को। पंच की पावर इतनी थी कि हवा से कुछ बंदों के बाल तक खड़े हो गए थे, पर एक इंसान के पसीने छूट रहे थे और वो था बल्लू बिस्वा। उसके मुंह से आवाज एक ब्रेथ की तरह निकली, कौन हो तुम? और यही सवाल सभी के मन में था जिन्होंने उस डिवाइस का हाल देखा था। क्या ये कोई नई पावर थी रॉबिन की? क्या बिस्वा अब भी लड़ने की हिमाकत करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, हमें कमेंट्स में बताइए। और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये सवाल सभी के केवल मन पर नहीं रह गया था, सभी के दिलो दिमाग पर छा चुका था। बेचारी महिला अटेंडेंट और सभी ने जो नजारा देखा था वो भी उन सबको देखकर हैरान खड़े थे। सबकी हैरानगी का कारण वहां हुआ नुकसान नहीं था, सब इस बात से हैरान थे कि उन्हें कैसे नहीं पता रॉबिन के बारे में। ऐसी ताकत का प्रदर्शन उन्होंने कहीं भी नहीं देखा था। हैरानगी का आलम चल ही रहा था कि वहां कुछ और आकृतियों ने भी दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र का इंसान चलता हुआ आ रहा था।
जिसके पीछे दो आदमी मैकेनिकल आर्मर पहने हुए थे। दोनों गार्ड्स ही थे। सूरज जैसा ही उनका चेहरा चमक रहा था और उनके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, पर उनका सूरज जैसा चेहरा डूबने वाला था। अरे मैनेजर साहब आ रहे हैं यहाँ। किसी ने पहले ही उन परछाइयों को पहचान लिया था। ये थे मैनेजर सूरज मल, मर्सिनरी एसोसिएशन के एक्सटर्नल अफेयर्स के इंचार्ज। वो धमाका सुनकर इधर की ओर भागे थे। क्या हुआ भाई? मैनेजर सूरज मल की आंखें चारों तरफ गई और नुकसान गिनते ही बनता था। मैनेजर साहब के पीछे खड़ा गार्ड धीरे से बोला, मैनेजर साहब लगता है कि ट्रेनिंग में बॉम्ब यूज किया है इन्होंने। पर मैनेजर सूरजमल का गेस ठीक निकला। उन्हें लगा था कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट टूट गया था, पर ये अब की बार सबसे मजबूत वाला था जो एसोसिएशन ने ट्रेनिंग के लिए खरीदा था। पर वहां के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। वो भौचक्के खड़े थे। जब मैनेजमेंट इसको लेकर आई थी तब ये बताया गया था कि ये ट्रेनिंग इक्विपमेंट एक अवेकेंड वॉरियर के लिए बना है और कैसे भी इस पर वार हो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हाँ, अगर कोई अवेकेंड वॉरियर ज्यादा जोर से हिट करेगा तो इसका कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, अगर टूटा तो रिपेयर हो जाएगा, पर यहाँ तो कुछ और हाल था। सूरजमल विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे कि इन मर्सिनरीज में कितना भी कोई ताकत वाला आ जाए तो भी इस ट्रेनिंग इक्विपमेंट का ये हाल नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं था कि इन भाड़े के सैनिकों की पावर अवेकेंड वॉरियर से ज्यादा हो गई है। कुछ तो मसला है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बल्लू बिस्वा अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ के चलते ऑलरेडी मर्सिनरी एसोसिएशन में फेमस था। दूसरा, उसकी ताकत का पैमाना अवेकेंड वॉरियर्स की पावर के जितना था, तो पहला शक उस पर ही बनता था कि उसने ही ट्रेनिंग इक्विपमेंट को तोड़ा होगा। पर वहां खड़े लोग पहले ही बुदबुदाने लगे थे। आज मर्सिनरी एसोसिएशन का मैनेजर यहाँ आ गए हैं। अब इस बंदे को पता चलेगा। इस ससुरा ट्रबलवा में आई गवा, हो गया इसका बंटाधार। अरे विश्वा भैया पे अटैक करना ही नहीं चाहिए था। मैनेजर साहब इसका रस निकालेंगे। कोइंसिडेंटली ये ट्रेनिंग इक्विपमेंट ब्लास्ट हो गया। अब ये बंदा लकी है या अनलकी, आई डोंट नो। मैनेजर सूरजमल परेशान तो थे। जब वो यहाँ ट्रेनिंग एरिया में आ रहे थे तो धूल के कण गिरने स्वाभाविक थे। ऊपर से इस परेशानी को देखकर मैनेजमेंट के किसी भी मेंबर का टेम्परामेंट जवाब दे दे। मैनेजर सूरजमल अपनी बाई पॉकेट से रुमाल निकालने वाले थे कि उनका ध्यान पास में खड़े इंसान की ओर गया और मैनेजर सूरजमल रॉबिन की तरफ मुड़े। और जब मैनेजर सूरजमल रॉबिन की तरफ जा रहे थे, साथ में दो पावरफुल बॉडीगार्ड्स भी थे, तब भी सभी बुदबुदाने लगे थे कि अब ये बंदा गया। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया, फिनिश। सभी का ध्यान रॉबिन की ओर था। आखिर बल्लू बिस्वा उनका सबसे रिस्पेक्टिव और टॉप लेवल का मर्सिनरी वॉरियर था। कुछ तो इज्जत थी उनकी। आखिरकार इस मर्सिनरी एसोसिएशन के मैनेजर थे सूरजमल। सभी अब रॉबिन के रिएक्शन का वेट कर रहे थे कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ये बल्लू बिस्वा नहीं सूरजमल थे। उनसे पंगा लेने का मतलब पूरी एसोसिएशन से पंगा लेना, और आज तक कोई भी एसोसिएशन से पंगा नहीं ले सका था, क्योंकि मर्सिनरी एसोसिएशन का रुतबा तीनों महान परिवार भी मानते थे। अब ये मुश्किल भरा स्टेप होता जैसे कि अपनी कब्र खुद ही खोद लेना। मैनेजर सूरजमल रॉबिन के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। ये ऐसा था जैसे एक योद्धा के सामने एक और योद्धा खड़ा हो। लड़ाई का बिगुल बजने ही वाला था और इस लड़ाई का रिजल्ट सबको क्लियर था कि अब इस इंसान का बुरा हाल होना ही है, आज नहीं तो कल। इट मींस नॉकआउट। सभी का ध्यान मैनेजर साहब के मूव पर था। मैनेजर साहब ने मूव लेने के लिए अपने हाथ जोड़े। एक बुदबुद आया, शायद कोई इंटरनल पावर जनरेट करने वाले हैं। और मैनेजर साहब झुक गए। वो रॉबिन को हाथ जोड़कर ग्रैंड स्लैम की जगह गरीबों का सलाम करने लगे, बार बार झुकने लगे रॉबिन के सामने। नमस्ते सर। सर जी, मेरा नाम सूरजमल पकौड़ी वाला है। आपका वेलकम है जी। मैनेजर साहब ने रिस्पेक्टफुली और नम्रता से कहा।
जो दोनों पावरफुल बॉडीगार्ड्स थे वो भी अपनी बॉडी को आगे की ओर बेंड करके मैनेजर सूरजमल की तरह नमस्ते करने लगे। पर वहां के माहौल में हैरानी फैल चुकी थी। सब जैसे जड़ से हो गए कि भाई ये माजरा क्या है। आप मुझे जानते हैं? रॉबिन ने बड़ी कैजुअली पूछा, जैसे इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद तो उसे भी नहीं थी। सर जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि अब की बार मैंने अपनी आंखों से सारा योद्धाओं का टूर्नामेंट देखा था। मैनेजर सूरजमल की आंखें चमक रही थी। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं एक्साइटमेंट उनकी आंखों से छलक कर बाहर ना आ जाए। एक्साइटेड होना बनता भी था, क्योंकि ये वही रॉबिन था जिसने एक ऐसे अवेकन्ड वॉरियर को मौत के घाट उतारा था जिसने 5 जीन चेन्स एक्टिवेट कर रखी थी, वो भी अपनी सिर्फ 2 जीन चेन्स के बदौलत। रॉबिन को ऐसे लगने लगा जैसे वो इस मर्सिनरी एसोसिएशन का प्रधान हो। अरे कौन है ये जिसे मैनेजर सूरजमल सब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? सूरजमल पकौड़ी वाला? पकौड़ी वाला मतलब योद्धाओं का टूर्नामेंट? ये का अवेकेंड वॉरियर है का? हाँ, ये है भी कोई अवेकेंड वॉरियर तो के बोरा पार गया, क्या हो गया? हमारी मर्सिनरी एसोसिएशन के पास भी भाड़े का अवेकेंड वॉरियर हो सकता है। उसका ध्यान बल्लू बिस्वा पर गया जो पास ही खड़ा था। मैं मेरा कहने का मतलब है कि अवेकेंड वॉरियर के लेवल का। हर एक का अपना अलग अलग ओपिनियन था, पर सब ने कहीं ना कहीं इस योद्धाओं के टूर्नामेंट के बारे में सुन रखा था और हर एक की अपनी अपनी थियरी थी इसको लेकर, क्योंकि देखा तो किसी ने भी नहीं था और वहां जाना उनको अलाउड भी नहीं था। सो उन्हें कुछ खास नहीं पता था कि रॉबिन किस चिड़िया का नाम था। हालांकि उनके लिए ये काफी था कि मैनेजर सूरजमल ने उसके बारे में सुन रखा था, पर इसका मतलब कतई भी नहीं कि बल्लू बिस्वा ने नहीं सुन रखा था। ये ठीक है कि बल्लू बिस्वा मर्सिनरी एसोसिएशन का लीडर था और पूरी तरह से हर बात की नॉलेज रखता था, और उसने जैसे ही रॉबिन नाम सुना उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बर्फ से भरी झील में गिर गया हो और ऊपर तैर न पा रहा हो। वो डर के मारे कांप रहा था। रॉबिन अब सिर्फ इंसान का नाम नहीं रह गया था, ये बहादुरी का नाम था, और ये पूरे कबीलों एवं दूसरे इलाकों में ऐसे फैला था जैसे प्लेग फैलता है। बच्चा बच्चा नाम जानता था रॉबिन। हाँ, पर ये जरूर था कि हर किसी ने वो चेहरा नहीं देखा था। प्रसिद्धि एक ऐसी बीमारी है जिसे फैलने के लिए हवा, पानी इत्यादि की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये फैलती है कानों से। बहुत से जासूसी नॉवेल्स में लिखा होता है कि किसी को भी कानो कान खबर ना हो, वही खबर सबसे ज्यादा फैलती है। बस ऐसे ही प्रसिद्धि हुई थी रॉबिन की, जिसकी खबर बस रॉबिन को नहीं थी, क्योंकि ये कोई गोटियों का खेल नहीं था। सिर्फ 2 जीन चेंज वाले अवेकेंड वॉरियर ने एक 5 जीन चेंज वाले अवेकेंड वॉरियर को मार गिराया था, और उसका विजयी रथ यही ही नहीं रुका था, उसने हिम परिवार के कुंवर मेहर प्रताप जैसे योद्धा को मैदान से पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। वो भी उस वक्त जब रॉबिन की जीन एनर्जी खत्म होने के कगार पर थी। लोग जो सपना भी नहीं देख सकते थे हराने का, इस लौंडे ने कर दिखाया था। कुछ ज्यादा ही भौकाल मचा था रॉबिन का। बल्लू बिस्वा बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसने जिस इंसान को उकसा दिया फिर गुस्सा भी दिलाया वो कोई और नहीं रॉबिन था। वो 2 कदम आगे चला गया और उसने पैर ही पकड़ लिए रॉबिन के। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। बल्लू की हालत ऐसे हुई थी जैसे कोई मुर्गा हलाल होने से पहले छटपटाता है। बस बल्लू बिस्वा को हलाल किया जाना बाकी था। बिस्वा को लग रहा था आज उसका हलवा बनकर सब में बटेगा। घबराहट के मारे पसीने की जैसे बाढ़ सी आ गई थी उसके चेहरे पर। और ये हालत तब थी जब मर्सिनरी एसोसिएशन पूरी शेरियत जनजाति में एक रुतबा रखती थी और बिस्वा की ताकत किसी भी अवेकेंड वॉरियर से कम नहीं थी। पर अब की बार उसने एक असली शख्सियत से मुलाकात की थी जो बोलती नहीं थी, बस उस शख्सियत का काम बोलता था।
वो आज एक ऐसी रियल फिगर से मिला था जो सिंह खानदान को तो रिप्रेजेंट करता ही था, पर उसकी साख कहीं ज्यादा ऊंची थी। अवेकेंड वॉरियर्स की भी ट्राइब है और ये इंसान उस ट्राइब से भी अलग था, अपनी ही तरह का अलग योद्धा, और इतना पाने के बाद भी ताकत का कोई घमंड नहीं था। बल्लू को घुटनों पर देख सभी हैरान थे। उस सभी के दिलों में राज करता था बल्लू बिस्वा, जिसकी ताकत का लोहा हर एक सैनिक मानता था, क्योंकि बल्लू बिस्वा किसी भी अवेकेंड वॉरियर से कम नहीं था। पर इस वक्त वो झुका हुआ था एक इंसान के सामने जिससे उसकी आज तक कोई फाइट भी नहीं हुई थी। उन सभी को ये पैमान समझ नहीं आ रहा था, कौन है ये रॉबिन, और जिसको देखकर हमारा लीडर पसीना पसीना हो रहा था। सभी को पता था बिस्वा के डिक्शनरी में डर शब्द ही नहीं लिखा था, और आज वही इंसान डर शब्द से भरी डायरी लिया बैठा है। अब उन्हें धीरे धीरे मालूम हो चला था कि जिस इंसान को वो लोग ऐरा गहरा नत्थू गहरा समझ रहे थे, वो असल जिंदगी का हीरो निकला। तो उनके चेहरों पर अब फिक्र की बारिश तो होनी बनती थी, और अब इस बारिश का पानी उनके पूरे शरीर में समा चुका था। जब मैनेजर सूरज ने बल्लू के फेस एक्सप्रेशन देखे तो वो समझ गए थे कि बल्लू बिस्वा ने क्या नया चांद निकाला होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की, मैनेजर साहब ने बल्लू को लात मारते हुए कहा। बल्लू गिर गया। बल्लू इस लात का जवाब दे सकता था, पर इस वक्त वो गिल्ट से ज्यादा डर से भरा हुआ था, और इस वक्त मैनेजर सूरजमल ही थे जो उसको बचा सकते थे, क्योंकि अगर आने वाली विपता उस पर टूट पड़ी तो उसकी शायरी तो कौन ही लिखेगा, उसकी जिंदगी की स्याही को कोई सफा भी नहीं मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है कि इसको क्या सजा दी जाए? मैनेजर सूरजमल ने बल्लू को देखे बिना रॉबिन से पूछा। रॉबिन ने बड़े ध्यान से मैनेजर सूरजमल की तरफ देखा, और उसका एक्सप्रेशन देखकर सूरजमल भी थोड़ा डर गए थे। माफ कर दो, रॉबिन ने कहा। खैर, मैनेजर सूरजमल बिस्वा को ऑलरेडी माफ कर चुके थे। वो तो किसी भी तरह अपने बंदे को बचाना चाहते थे, और रॉबिन के लिए बल्लू बिस्वा कोई बड़ी तोप नहीं थी जिसको कभी भी उड़ाया जा सकता था। हाँ, अगर बल्लू बिस्वा कोई दुश्मनी रखता भी है तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रॉबिन और बिस्वा दोनों अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। तो क्या रॉबिन अब नए मिशन पर निकलेगा? और अगर निकलेगा तो क्या वहां भी नए जीन का टेस्ट हो पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, हमें कमेंट्स में बताइए, और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर।